आरा नगर निगम की महापौर इंदु देवी के आवास पर भगवान प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर राम भक्तों के बीच में प्रसाद वितरण किया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। महापौर इंदु देवी ने बताया कि इस बार का रामनवमी महोत्सव हर भारतवासियों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि सैकड़ों साल के बाद प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं और हर सनातनी इस बार प्रभु राम का जन्मोत्सव जहाँ भी होगा वहाँ भी धूमधाम से मनाएगा। राम भक्तों के लिए आज प्रसाद का पैकेट तैयार किया जा रहा है, ताकि कल राम भक्तों के बीच में उसे वितरित किया जा सके। वहीं समाज सेवी व मेयर प्रतिनिधि प्रेम पंकज उर्फ लला ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी राम भक्तों के लिए प्रसाद का पैकेट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इस बार हमारे प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं। हर श्रद्धालु हर सनातनी काफ़ी खुश है कि इस बार रामनवमी महोत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हर लोगों को इस रामनवमी महोत्सव में हिस्सा लेना चाहिए और शांतिपूर्वक आचार संहिता का नियम का पालन करते हुए राम भक्त झांकी लेकर आए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी किसी को ना हो। वहीं भोजपुर के लाल आलोक अंजन उर्फ छोटे ने कहा कि इस बार का रामनवमी महोत्सव हम सबके लिए बहुत ही खास है, जिसका इंतजार हर सनातनी को था कि प्रभु श्री राम कब मंदिर में विराजमान होंगे। तो इस 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर में विराजमान होने से हर देशवासी खुश और आनंदमय है। इसलिए इस बार के रामनवमी महोत्सव को हम और यादगार बनाने के लिए तमाम राम भक्तों के बीच में प्रसाद का वितरण करेंगे। इसके लिए आज से ही हजारों पैकेट प्रसाद का तैयारी की जा रही है, ताकि हर सनातनियों को यह प्रसाद पहुँच सके। इस कार्य को करने के लिए कई लोग मौजूद रहे और उन लोगों ने अपना प्रसाद पैकेट करने में अपना सहयोग प्रदान किया। मौके पर समाज सेवी मुन्नू सिंह, विशाल गुप्ता, मकई जी, अजीत सिंह, मंटू जी, अंसारी सहित कई लोग उपस्थित रहे। यात्रा है और आरा नगर निगम के आप मेयर हैं, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? मैं मेयर इंदु देवी, सबसे पहले मैं सारे नगर वासियों को प्रणाम करती हूँ और सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक साल हमारे शहर में एक भव्य झांकी की व्यवस्था होती है, और उन झांकी में बहुत सारे लोग बाहर से भी, हमारे आरा शहर के बाहर से भी लोग आते हैं, और बहुत सारे हमारे नगरवासी भी उस झांकी का आनंद उठाने के लिए सड़क पे खड़े रहते हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोग, हमारी तरफ से एक प्रसाद का व्यवस्था की गई है, जिसका पैकिंग हम लोग सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, और वो कल हमारे जो भी झांकी देखने के लिए या झांकी निकालने वाले जो भी होंगे, उनके बीच में वो प्रसाद का वितरण किया जाएगा। क्या क्या इस प्रसाद में है? इस प्रसाद में हमने एक शक्कर का लड्डू, बूंदिया और मूढ़ी की व्यवस्था की गई है, और साथ में पानी की भी व्यवस्था है। कितने पैकेट तैयार किए जा रहे हैं? 20 से 25 हज़ार पैकेट की व्यवस्था की गई है। आरा नगर निगम की तरफ से मैडम सफाई की क्या व्यवस्था रहेगी? आरा नगर निगम की तरफ से विशेष सफाई व्यवस्था की जा रही है, ताकि शहर में कहीं भी कूड़ा या कचरा दिखाई नहीं दे। रोड पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है और विशेष सफाई की व्यवस्था है, ताकि हमारा शहर कल रामनवमी के शुभ अवसर पे हमारा शहर सुंदर और स्वच्छ दिखे। धन्यवाद। नगर वासियों को जय श्री राम। जय श्री राम। हम लोग लगभग 30,000 लोगों के तैयारी में लगे हैं। भगवान जहां तक तैयार कर दे, कार्य सुबह से चल रहा है और कल भी चलेगा। आप देख सकते हैं, यह एक बहुत बड़ा पर्व है, राम जी का जन्मोत्सव। हम लोग हर साल की भांति इस साल ही मनाएंगे। गोपाली चौक पर जो बरामचोली मोड़ है, वहाँ पर हर साल हम लोगों के द्वारा स्टॉल लगाया जाता है, जहाँ पर पानी की बोतल, शक्कर के लड्डू, बुनिया, मूढ़ी का वितरण, फल का वितरण होता है, हर साल होता है, और इस साल भी उसकी तैयारी चल रही है। और सभी को हम कहेंगे एक बार वहाँ आए और हम लोग का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। हर कार्य में बढ़ चढ़ कर रहते हैं, लेकिन यह तो श्री राम का काज है और रामनवमी शोभा यात्रा, तो इसमें आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जय जय श्री राम। प्रभु श्री राम का कार्य हम लोग कर रहे हैं और कल रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारी जोरों पे है, और हम लोगों के द्वारा, हमारे पूरे फैमिली के द्वारा, दोस्त मित्रों के द्वारा देख सकते हैं पैकिंग का काम चल रहा है। हमारे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, हमारे मुन्नू सिंह भी बैठे हुए हैं, सनी सहवादी हैं, अनिल जी हैं, मकई जी हैं, सभी लोग
अपना प्रेम मोहब्बत में आके यहाँ पैकिंग कर रहे हैं, और हम लोग लगभग सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है पैकिंग का, अभी शाम होने जा रहा है और हम लोग लगभग रात तक कार्यक्रम करेंगे और पूरा पैकेज आज हम लोग कर देंगे, और कल सुबह नौमी का इस यात्रा निकलेगा, भगवान की झांकी निकलेगी, और हम लोग वहाँ गोपाली चौक पे जो हर साल की तरह बांटते हैं, इस साल भी हम लोग बांटेंगे और पूरे उमंग के साथ बांटेंगे सभी को। चूंकि गर्मी का मौसम है, देख ही सकते हैं आप तापमान कहाँ से कहाँ है, तो पानी का बोतल और साथ में ये प्रसाद जिसमें बुनिया, शक्कर के लड्डू और मुड़ी ये हम लोग बांटेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु को चाहेंगे कि वो लोग हमारा प्रसाद ग्रहण करें और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते रहें। हमारे साथ पूरा मंडली लगा हुआ है, एक अलग गोदाम में भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है बनाने का और पैकिंग का, हलवाई भी हमारे लगे हुए हैं ये बनाने के लिए, तो लगातार ये कार्यक्रम रात तक चलेगा पैकिंग का, और हम लोग इसको कल पूरे। आलोक जी, हर बार तो शोभा यात्रा निकलती है और काफी बढ़ चढ़ कर उत्साह और उमंग के साथ, लेकिन इस बार उत्साह कुछ ज्यादा ही है क्योंकि प्रभु श्री राम जो है अपने महल में विराजमान हो गए, अपने मंदिर में विराजमान है। ये हम लोगों का उत्साह जो है पिछले बार की अपेक्षा अभी 200 गुना ज्यादा हो चुका है, चूंकि हमारे प्रभु श्री राम लला अपने असली घर में आ चुके हैं और उनका प्राण प्रतिष्ठा पिछले महीने आपने देखा जनवरी में हो चुका है, उसका उत्साह अलग है और सब लोग उत्साहित है, चूंकि कई हजार साल पुराना जो हम लोग का मंदिर का मुद्दा था नहीं हुआ था, आज हम लोग बन चुका है और हम लोग इस उत्साह के साथ लगे हुए हैं, इस बार हम लोग का अलग उत्साह रहेगा। इस साल की तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो सभी शहरवासियों को जय श्री राम। आप देख रहे हैं कि हम लोग सुबह से लगे हुए हैं और करीब करीब 20 से 25 हज़ार पैकेट की तैयारी हो रही है, और कल हम लोग सभी सुबह में 10 बजे से ब्राह्मण टोली मोड़ पे वहाँ पे सारे श्रद्धालु रहेंगे और शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। तो कितना उत्साह हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार का जो रामनवमी शोभा यात्रा है पूरा शहर राममय है और सभी को देख रहे होंगे आप अपने दुकान के आगे स्टॉल लगाते हैं, पूरे झंडे में सारा शहर पूरा एकदम भगवा सजता है, और सभी लोग कल खुशी से एकदम राम जी की आरती करके जश्न मनाते हैं। हम सब आरावासियों को धन्यवाद देते हैं रामनवमी का, और हमारे बड़े भैया प्रेम पंकज ललन जी का हम लोग अंगरक्षक हैं, और भैया का हम लोग जो प्रसाद है हम लोग हर साल भी बांटते हैं 20-25 हज़ार लोगों का, जो इस साल भी हम लोग का बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इस साल भी भैया के प्रांगण में हम लोग फिर प्रसाद भर रहे हैं और बांटने की कोशिश करेंगे। कल जितना से जितना हो उतना हम प्रयास करेंगे कि जितना प्रसाद बांटा जाए। आपके चैनल के माध्यम से हमारे ग्रुप और मेयर साहब की तरफ से और लवंग भैया तेरे लवंग भैया की तरफ से, आलोक रंजन भैया की तरफ से, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं मुन्नू भैया, उनके सबके तरफ से हम लोग के तरफ से नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आज हम लोग के लिए बहुत ही शुभ और इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रसाद पैक कर रहे हैं जो है लवंग भैया के प्रांगण में, और महापौर हमारे महापौर जो हैं उनके उनके आवास पे ये शुभ कार्य हो रहा है, और भगवान से हम सभी ने यही निवेदन करते हैं कि हमारे परम पूज्य जो हमारे आइडल है लवन भैया, इनको राम जी की कृपा असीम कृपा प्राप्त हो और इनका लंबा उम्र की प्राप्ति हो, ताकि इनके प्रांगण में इनके आशीर्वाद में इनके छाया में हम लोग फले फूले, और ये हर एक साल हमको सौभाग्य प्राप्त हो, ताकि हमको ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो। धन्यवाद।